आज आना है मायू में, और मैं अभी से तैयारी कर रही हूँ क्योंकि खाना जल्दी से बना कर रखूंगी। तो सालन मेरा रेडी है, अब इसमें धनिया और हरी मिर्ची वगैरह डाल दूंगी। यहाँ पे कपड़े मैंने किचन वाले जो होते हैं वो रख दिए हैं इसमें सर्फ डाल के, और गर्म पानी में ये फिर अच्छे से धुल जाते हैं। और इसमें अब हरा धनिया हरी मिर्ची मैं डाल दूंगी, तो ये सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। और गरम मसाला हरी मिर्ची रेडी हो चुका है। सालन मैंने जल्दी ही बना लिया था क्योंकि फिर तैयारी में टाइम लगता है, तो इस वजह से अगर खाना रेडी हो शाम तक का बना लेते हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसमें अभी सिर्फ गरम मसाला डाल देंगे, बस ये मेरा सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। अब अगर मुझे देर भी हो जाएगी ना वहाँ पे तो कोई मुझे मसला नहीं होगा। मैं अब कर रही थी सिलाई, और मैं कहती हूँ कि जिन लोगों को सिलाई आती है ना, थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है मेरी तरह से, तो उनको तो बाहर से कपड़े सिलवाने भी नहीं चाहिए क्योंकि उनको ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कुछ ना कुछ निकाल लेती, हालांकि अच्छे सी कर देते हैं लेकिन फिर भी हम लोगों को ये होता है कि खोल के इधर से सही कर लें, क्योंकि आता है ना तो फिर खोल लेते हैं। अब इसकी स्लीव्स जो है ना वो थोड़ी सी छोटी हो गई थी, मैं पानी पीऊँगी अभी ये भर के। तो ये स्लीव्स थोड़ी सी छोटी हो गई थी, यहाँ तक की थी, फिर मैंने ना इसमें ये वाला जोड़ के बस ये स्लीव्स लंबी कर दी, और इसके दामन पर मैंने ये वाली लेस लगाई। क्योंकि अब अगर मैं उससे कहती ना कि खोल के दोबारा से करो तो वो फिर ईद का टाइम है, उनका भी कसूर नहीं है टेलर्स का, वो अपना काम कर रहे होते हैं और हम बार बार खोल के उनको दे रहे होते हैं, और मेरी तो आदत है वैसे भी। तो ये जो है ना ये दामन पर मैंने खुद ही लगा ली इस मशीन से। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन मुझे इतना इसका यूज़ नहीं आता, वरना तो दूसरा भी इसमें कोई टांका लग सकता था, लेकिन ये अच्छा हो गया क्योंकि अब मैं अगर जाऊंगी पीको वाले के पास या फिर ये वो लगाते हैं जो कढ़ाई करते हैं मशीन पर, तो ये लेस लगाते हैं, तो उनके पास फिर दो दो घंटे वेट करो, या फिर कहेंगे अभी रख के जाओ हमारे पास रश है। तो इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं था, मैंने कहा आज मैं पहनती हूँ, तो ये मैंने खुद से लगा ली और अच्छी लग रही है। और अब मैं इसे प्रेस करूँगी तो ये बिल्कुल छुप जाएगा, और ये है नेट के ऊपर, तो बस ये अब तैयार कर लिया है, अब प्रेस करती हूँ और फ्रेश होते हैं। और अब आ गए हैं मायू वाले घर पे, यानी कि महविश के घर पे, और ये घर पर फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन है लेकिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। और ये जो सेटअप है ये किया है महविश की जो खालाजात जो सिस्टर हैं उनके हस्बैंड ने, और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि घर में इतना अच्छा इन्होंने सेट कर दिया, इनमें लाइट्स भी लगाई हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके बाद अब आ गए हैं दूल्हा वाले, और वो जो लेकर आते हैं मोस्टली यही चीज़ें होती हैं, एक फूलों का एक सेट होता है और चूड़ियाँ होती हैं उसके साथ, ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े से होते हैं, उपटन होता है, मेहंदी होती है, कोन होती है, ड्रेस होता है दुल्हन का, और कोई भी सादा सी चप्पल या फिर इस तरह का खुस्सा वगैरह जो वो यहाँ पर ले सके, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये बांधने का होता है, चेहरे पर बांधते हैं, जितने दिन लड़की मायूं बैठती है सिर्फ उसकी आँखें नज़र आती, इसको अखियो कहते हैं सिंधी में, और आप लोगों की ज़बान में क्या कहते हैं, सब लोग ये लगाते हैं, या हमारे यहाँ पे कुछ लोगों के यहाँ होता है, कुछ लोग नहीं भी बांधते इसको। और उसके बाद फिर रसम होगी, और रसम भी वहीं पर जो कॉर्नर इसके लिए सेट किया है महविश के लिए, बड़ा प्यारा लग रहा था वहाँ पर, और बस वहाँ वहीं पर इसको बिठा के रसम की। और ये घर का ही फंक्शन था, मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाई क्योंकि हॉल होता है तो वहाँ पे फिर भी कर सकते हैं, लेकिन घर का जो फंक्शन होता है उसमें बच बचा के किसी का फेस ना आ जाए और किसी को इतराज़ ना हो। और ये होता है कि अगर मैं कैमरा पकड़ लूँ तो फिर सब लोग जो हैं इतने कंफर्टेबल नहीं होते, और वो लोग अपनी जो ये छोटा सा फंक्शन इसको इंजॉय नहीं कर पाते कि कहीं हमारी कोई वीडियो ना आ जाए और ये वो। तो मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। और यहाँ पर मैं हमेशा मायूं बैठ गई है, thank you।
लेकर आए थे, अखियो जिसे कहते हैं, रेड कलर का भी होता है, येलो भी बनाते हैं लोग जिसमें दो आंखें बनी होती हैं, वो चेहरे पर बांधते हैं। इससे पहले 7 सुहागनों के चेहरे पर ये लगाया जाता है, उसके बाद फिर दुल्हन को बांधा जाता है और कोशिश ये की जाती है कि जो सुहागने अपने घरों में खुश हैं उनके चेहरे पर ये लगाया जाए और फिर बांधा जाए। और कहते हैं कि इसको जितने दिन ये मायों में बैठती है, किसी को चेहरा नहीं दिखाती है और ये लगा कर रखती है, तो फिर उसके चेहरे पर रूप आता है उस दुल्हन के चेहरे पर। हालांकि बच्चियों को इस बात की शिकायत होती है कि पिंपल्स निकलते हैं इस कपड़े को चेहरे पर बांधने से, लेकिन जो भी होता है उनको पता होगा। और बस खाना खाने के बाद, खाना भी वहाँ पे था, खाना खाने के बाद अब मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने बनाई अपने लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी। और आप लोगों ने क्या करना है, अपने लिए कॉफ़ी बना लें, चाय बना लें, बैठें आराम से, सुकून से चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं बहुत थकी हुई हूँ आज, क्योंकि घर में क्लीनिंग भी कर रही हूँ, घर का काम भी हो रहा है, इसी वजह से ये व्लॉग भी बहुत लेट हो चुका है। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।